क्या करेंगे यहाँ पर, जो भी स्टूडेंट है। एक तारीख है, एक का मतलब क्या है, एक तारीख। आप यहाँ पे क्या करोगे, पी लिखोगे। जो स्टूडेंट प्रेजेंट होगा उसके आगे आप क्या लिखोगे, पी। जो स्टूडेंट एबसेंट होगा उसके आगे आप क्या लिखोगे, ए। अगर किसी ने लीव ली होगी तो क्या लिखोगे, एम। और अगर सभी प्रेजेंट है तो आप पी लिखते जाएंगे। इस तरह से आपके स्कूल में भी प्रेजेंट लगते हो। अब आप क्या करोगे, रोज लगाओगे, 2 तारीख को, 3 तारीख को, जिस भी डेट को होगा। अभी तो अपन निकल रहे, सभी स्टूडेंट के आप यहाँ पे नाम लिख लोगे और सभी का क्या करोगे, प्रेजेंट लगाओगे। अभी हम इसी को ट्रैक कर लेते हैं, लेकिन जब आप लगाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा एक एक का, ठीक है। मान लीजिए 30 तारीख है, 30 तारीख तक है इसमें, तो सभी स्टूडेंट प्रेजेंट। अब आपको क्या करना है, इसमें काउंट करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस दिन अब्सेंट है, मतलब कितने दिन एबसेंट है, कितने दिन प्रेजेंट है और कितने दिन उसने लीव ली है। तब आप यहाँ पे क्या करोगे, काउंट इफ का एक फंक्शन होता है बोलो। उससे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इतनी जगह हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले हम इसको ऑल बॉर्डर कर लेते हैं जिससे आपको समझ में। अब जैसे कि ये दो, ये जो कॉलम्स है, इतनी कॉलम की जरूरत नहीं है, थोड़े से में अपना डाटा बन गया। तब आप क्या करोगे, इनको छोटा कर सकते हो, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे और यहाँ से आप इस तरह से इसको छोटा कर लोगे। लेकिन एक एक को छोटा करोगे बहुत टाइम लग जाएगा। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, माउस पॉइंटर चेंज हो गया। अब आप इस पर क्लिक करोगे, एक सिलेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके कीबोर्ड है, आपका कीबोर्ड है, इसमें शिफ्ट की होती है, शिफ्ट की को दबा कर रखोगे। ये जो है ये एन है, इस साइड वाला है, आपको दबाना है। ये देखिए आगे तक ये क्या करेगा, सिलेक्ट करता जाएगा। इससे भी कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि क्लिक करके भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इससे क्या रहता है, थोड़ी सी आपको आसानी रहती है। आप एक पर डबल क्लिक करोगे किसी भी एक पर, ठीक है। ये देखिए एक को वो छोटा कर देगा, जिसको आपने देखिए अपन इन दोनों को सिलेक्ट नहीं कर पाए तो इन दोनों को वैसे ही रहने दिया, बाकी एक का जैसा भी साइज था वैसा उसने सबका कर दिया, ठीक है। अपन इसको भी कर देते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल पी, टोटल पी यानी कि टोटल प्रेजेंट। इसके आगे आप लिखेंगे टोटल ए यानी कि टोटल एब्सेंट, और इसके आगे आप लिखेंगे टोटल एल यानी कि टोटल थ्री। इसको भी अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर कर लेते हैं, वो आप पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल फी। इस आप जो भी स्टूडेंट्स आपके पास है, मतलब जो भी स्टूडेंट है, आप चाहते हो इन सभी स्टूडेंट की टोटल प्रेजेंट यहाँ पर आ जाए, टोटल एबसेंट कितने, टोटल कितने दिन एबसेंट है वो कहाँ आ जाए यहाँ पे, टोटल कितने इन्होंने लीव ली है वो कहाँ पे आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करोगे, इतना कर लोगे आ जाएगा। आप यहाँ पर टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए इक्वल लगाओगे, ठीक है, पता है सभी को पता है, इक्वल लगाना पड़ेगा जब भी आपको कोई फंक्शन लगाना है। आप यहाँ पर लिखोगे COUNTIF, ठीक है। यहाँ पर नीचे आ जाता है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो या फिर आप पूरा लिख भी सकते हो। क्या लिखना है आपको, काउंट इफ। आप शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट स्टार्ट करोगे, यहाँ पर ये इसका किस टाइप से आपको ये फॉर्मूला लगाना है उसका टाइप यानी कि सिंटेक्स आपको नीचे दे रहा है, काउंट इफ। फिर इसके बाद देखिए ब्रैकेट, फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं, रेंज। रेंज मतलब जगह, ठीक है। रेंज आप सिलेक्ट करिए तो आपको किस में काउंट करना है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, किस रेंज में काउंट करना है, 1 से लेकर 30 तक ये काउंट करना है। तो अपन यहाँ से ये सिलेक्ट कर देंगे, आप देखेंगे जितनी जगह अपन ने सिलेक्ट किया इस तरह से वो यहाँ पे डॉट डॉट आने लगे, और आप देख रहे हैं इसका जो सेल एड्रेस है D5 से अपन ने सिलेक्ट किया है, कहाँ तक, AG, यहाँ पर AG5 तक सिलेक्ट किया है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है वो, क्रिटेरिया, क्या काउंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप क्या लिख देंगे, पी। डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्लोज करेंगे, अपन ने एक ब्रैकेट स्टार्ट किया था, तो जब भी आप कोई ब्रैकेट ओपन करते हो तो उसको क्या करना पड़ता है, आपको क्लोज भी करना पड़ता है। तो आप शिफ्ट के साथ 0 से इस ब्रैकेट को क्लोज करते हो, एंटर कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 30 आ गया क्योंकि अपन ने सभी को प्रेजेंट किया। जैसे ही कोई एबसेंट हुआ, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ए, देखिए यहाँ पर 29 बता था क्योंकि एक प्रेजेंट की आ गई कम हो गई,
इसी तरह से आप और किसी को अब्सेंट कर देते हैं या फिर कोई लीव ले लेता है, तो इस तरह से प्रेजेंट कम होंगी, तो यहाँ पर जितनी प्रेजेंट होंगी वो यहाँ पर बता दें। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को ड्रैग करोगे, आपको सिर्फ एक सेल में फॉर्मूला लगाना है, बाकी सभी में वो ले लेता है। जैसे कि हमने इस पर क्लिक किया, इसमें साइड में इस डॉट पर ना क्लिक करके हमने नीचे की साइड ड्रैग किया, देखिए सभी इन दोनों को बता रहा 30 30, क्योंकि अपन ने 30 जगह पर पी पी लिखा हुआ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से अपन एब्सेंट को काउंट कर सकते हैं, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे काउंट एक शिफ्ट के साथ 9 से ब्रैकेट स्टार्ट। रेंज पूछ रहा है तो आप इसको आगे किसका ये रेंज कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ से अपन को लेना है कहाँ तक, 30 तक क्लिक करके यहाँ तक का सिलेक्ट कर दो। अगर आपको प्रॉब्लम आती है ऐसे सिलेक्ट करने में, तब आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करो, शिफ्ट की को आप दबा करो, और यहाँ पर ये वाला एरर आगे की साइड को देखिए सिलेक्ट करना है कहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसके बाद आप लगाएंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप क्या काउंट करना चाहते हैं इन, तो आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे ए, डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट अपन ने ओपन किया था तो यहाँ पे ब्रैकेट भी क्लोज और एंटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो एब्सेंट बता रहा है, अपन ने दो जगह एब्सेंट लिखा, एक ये और एक ये। अगर यहाँ पर एक और ए बढ़ाते हैं, अपन जैसे कि ये 14 तारीख को भी एब्सेंट था, अपन ने ए लिखा तो यहाँ पर देखिए बता दिए इसमें प्रेजेंट कितनी है 25, और यहाँ पर एब्सेंट कितनी है आ जाएगा। आप इसी तरह से लीव निकाल सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और इसको यहाँ पर क्या करेंगे ड्रैग कर देंगे। इन दोनों की एब्सेंट 0 बता रहा है, क्यों बता रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है एक भी दिन मतलब एब्सेंट नहीं लिखी अपन ने, इसलिए बता रहा है। आप जैसे इनका ये लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक एब्सेंट हो जाएगी और प्रेजेंट इसी तरह से आप लीव निकाल सकते हैं। आप इक्वल लगाएंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे काउंट एक ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसके बाद आप क्या सिलेक्ट करेंगे रेंज 1 पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप 30 तक सिलेक्ट करेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप क्या लिखेंगे क्या काउंट करना है आपको एल, तो आप यहाँ पर लिख देंगे एल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट एंटर। तो ये देखिए इनका दो दो जगह पर आपने एल एल लिखा था, और आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे ड्रैग कर। ठीक है, इसी तरह से आप सभी का निकाल लेंगे आ जाएगा। ये देखिए एल एल में दोनों में 0 बता रहा, जैसे कि इसमें हमने एक एल लिखा तो आप देखिए एक प्रेजेंट कम हो गई और यहाँ पर एक एल बढ़ गई। अगर हमने किसी का ए लिखा तो इसकी एक प्रेजेंट और कम हो गई और यहाँ पर एक एब्सेंट बढ़ गई। इस तरह से आप कर सकते हैं, कर लेंगे।